उत्तर प्रदेश में दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां बीते कुछ महीने पहले बरेली, बनारस और देवरिया में फायरिंग की घटना देखने को मिली थी, तो वहीं एक बार फिर प्रदेश के जनपद बरेली से ही फायरिंग की एक और घटना सामने आई है। घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएं और दांतों तले उंगली दबाकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर एक मामूली से विवाद में कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल पूरा मामला जनपद के मटकी चौकी क्षेत्र का है, जहां ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति अपनी दो पत्नियों मेहरून निसा और तूबा के साथ रहता है। बीते दिनों बच्चों के किसी बात को लेकर दोनों पत्नियों में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ना शुरू हो गया, जिसके बाद ताहिर की दूसरी पत्नी ने घर से बाहर निकलकर बवाल शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जब ताहिर को हुई तो वो तत्काल मौके पर पहुंचा और दोनों को समझाने लगा, लेकिन देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि ताहिर ने गुस्से में फायरिंग कर दी, जिससे पड़ोस के रहने वाले युवक को गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ रहते हो? क्या घटना हुई थी? घर में से बाहर निकल के आया और जैसी मैं आया हूँ, लड़ाई हो रही थी, मारो हो रही थी, किसमें हो रही थी। फिर हमने घर में से निकल के आया था खाली से, और एकदम पता नहीं यहाँ पर आके मुझे खिला क्या लगा, दोनों उंगलियों में लगा था। क्या लगा था आपने? यही नहीं मुझे मालूम क्या लगा है, अरे लगे हैं कि क्या लगा है नहीं, लेकिन लगा आगे थोड़ी मेरे। तो मैं अपने घर में से निकला हूँ खाली, बस फायर कर रहे थे। हाँ, फायर की आवाज आई है। कितने फायर बोले थे? एक आवाज आई है फायर। वहीं घटना के बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले में जांच के बाद पड़ोसियों की तहरीर के आधार पर आरोपी ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी की पहली पत्नी मेहरून निसा और दूसरी पत्नी तूबा के बीच बच्चों को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने पहले दोनों को समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने फायरिंग कर दी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिर पहले मठ थाना कोतवाली के अंतर्गत मठ चौकी क्षेत्र से एक फायरिंग की सूचना आई, जिसपे पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इनका दो मुस्लिम पक्षों में ही आपसी विवाद में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाला जो आरोपी है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आगे जो जिनको चोट लगी है उनका उपचार और मेडिकल कराया जा रहा है। इसके पश्चात जो आवश्यक विधिक कार्यवाही है वो की जाएगी। क्या वजह थी फायरिंग करने की? क्या मामला सामने आया? इनका आपसी विवाद था, जिसने फायरिंग की थी उसकी जो पहली पत्नी थी उनकी उनके बच्चों और इसकी दूसरी पत्नी के आपस में कहा सुनी में, छोटी सी कहा सुनी में ये विवाद हुआ था। तो देखा आपने कैसे घर के एक मामूली विवाद में इतना बड़ा कांड हो गया, कांड भी ऐसा कि जिसने एक व्यक्ति को अपराधी बना दिया। बहरहाल पुलिस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है और अब देखना यह होगा कि पुलिस मामले में आगे आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।